वे मोजिया भाई है, ये आरू एक में हाजिर ने अवसर में आया हूं, अपने तो ये भी खिमिर वसनो है वो आरू मंथन करे। 37 गोमरी विचार विमर्श करे। अब विकल्प अपने पास ये दाना राम और जीवाराम जी है, इनके अलावा जो भी कोई छोटा मोर्चा हो, कैसा आदमी हो, क्या हो, अब तुलनात्मक तीनों चेहरा उम्मीदवार में से अपने को किस पे भरोसा है? इन दोनों पे तो भरोसा है नहीं, शायद आपको होगा। दोनों में से भरोसा है किसी पर? देवजी भाई और सुखराम जी में से किसी के साथ जाना है? किसी के साथ नहीं जाना है। अडी रेवड़ा जी पसी देना बोटांडा अडीक रह रहे तो कहो नहीं कर पसे धर्म दगो दिया। एक एक बेबी के पार्टी आवे, सत्ता आवे, फलाना आवे। टिकट तो सिरों में जीवाराम आर्य को दी थी 2018 में कांग्रेस की, और 12,000 वोट आए थे। हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और एमपी साहब को छत्तीसगढ़ की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मान जाओ अभी समय है, पार पड़े नहीं, और छत्तीसगढ़ लोग आप रहे आते हैं नहीं, पार्टी रो खराब लगे, मोर सबोर खराब लगे, आपके बूथ एजेंट गांव में जाजम बिछाने वाले, मीटिंग करवाने वाले, कोई ना गांव भाई के नाथ में उठा करावे भी तो अलग बात है। तो वही गांवों में एमपी साहब की मीटिंग है बीजी कटे नहीं है, बूथ एजेंट बीजा बीजा बे कटे भाजपा। तो संगठित रहना है, दाना राम हो या जीवाराम हो, अभी ये दोनों व्यक्ति अलग है, इनकी आत्मा एक ही है, पूरी टीम कार्यकर्ताओं की एक ही है। तन मन धन से मिलकर इस कुशासन से, इस भ्रष्टाचार से, असुरक्षा से सबसे अपन त्रस्त है, इन सबसे राहत चाहते हो तो संगठित रहना, संगठित रह के बूथ संभालना। जो भी एमपी साहब के साथ अपने कोई कार्यकर्ता टीम के गए उनको भी रिक्वेस्ट करके वापस बुलाना, पार्टी उनके पास है पर मन नहीं है। गांव में आप मन को बिड़ा रहे हो तो मन को जरूरत पड़े, और पार्टी भी या मन को ही जुड़े, एक पार्टी सिंबल दिन में कोई पार्टी रो एडो कोई नहीं है। यह आरू सतीश गांव को एक ही विनती है कि 25 तारीख तक प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक बूथ पर एक एक ग्राम पंचायत, एक एक बूथ, एक एक गांव अपने को गोद ले लेना है। मजबूत आदमी है, नेताओं के भी कम से कम खर्चा हो, कम से कम गाड़ी ले जानी पड़े, कम से कम यहां से सामग्री ले जानी पड़े, ऐसी अगर व्यवस्था कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था कर सकते हो और मजबूती से रह सकते हो तो किसी को आगे करना, वरना सरपंच सुना लड़ना कई भाई के मंच में बरा दिया, टाकी दूरी पड़े, सबसे हाथ हाथ सुना लड़िया है, बहुत कठिन काम है। इसीलिए संगठित होकर पार्टी को और सबको बता दें, अभी तक अपन 6 तारीख को नामांकन तारीख तक पार्टी का इंतजार करेंगे, और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने को बोल रहे थे कि माता जोड़ी करे, हम पगे पोतिया उतारो या पार्टी रहे एमपी साहब रहे, छत्तीस कांग्रेस लोग ये तो कहता था कि पंच पटेल पर आम जन भावना ये बोल रही है कि ये जीती हुई सीट आप क्यों हराने पे तुले हो, क्यों पार्टी ने गलत डिसीजन ले लिया है, और बड़पन दिखाए पार्टी, परिवर्तन करे, सिंबल चेंज करे, और एमपी साहब भी बड़पन दिखाते हुए पार्टी को ऊपर कह दे कि इस स्थिति में मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।